Welcome to my channel. This is Sam. I'm playing Lies of P. So I died several times. I have to go in. But first I think I need to... Hello there! Welcome to Krat, visitor. I didn't think there were any stalkers left to fight the puppets. You didn't hear? Figures. The whole organization fell apart. All that's left are wannabes and amateurs who think they can fight on their own. You ought to buy something while you're at the festival. You can't rely on yourself alone. What do I buy? Out here alone? You could use... Yes. Weapon with electric blizz. Can I? Can be thrown. I think I will buy this one again. Puppet frames. I'm keeping that. Is there any other way? But there will end live in the parrot, other than parrot monster, like singing and marching with people. There's the following functions: 16 jolly songs, cheerful laughter, and 54 parrot phrases. Parrot dances to delight children, the strength to carry 6 men on his shoulders. Big in commemoration of the grand exhibition, check out its charms on the eve of the upcoming exhibition. I don't want to see its charms. I think it's going to kill me. So, if you take the balance mode or the dexterity mode, I think you can move a little bit faster. But this way. To fight, we got out. Oh, there he is. He looks scary. Let's see. You know, I cannot dodge much. Let's see what you've got. All right.
Phineas. What the fuck? Holy shit! Come on, man! I did wrong. Next time he's dead. He's not that hard, man. He's just easy. He's easy peasy. Lemon squeezy, come on. I lost all my charm, all my that bloom points. I know. Chalo, beech mein kya ho gaya tha wo? लेकिन जब भी मैं यूज करने गया तब भी कुछ ना कुछ हो गया. होली शिट. चलो देख लेंगे. अबे क्या कर दिया.
क्या खेल रहा हूँ मैं, क्या खेल रहा हूँ मैं यार। इसको इतना जल्दी नहीं मार सकता ना, इसको धीरे धीरे मारना पड़ेगा। मैं रिगेन कर देता हूँ थोड़ा सा गार्ड। बस सही टाइम पे ब्लॉक करना है और अटैक भी सही टाइम पे करना है। हारने का मुझे कोई इरादा नहीं है। बाप रे, तो आते ही धूम मचा ले कर दिया है। लाइफ आधा ही किया था मैंने, आधा भी नहीं किया था। ओ भाई, तो जाने ही नहीं देता यार। Yeah.
Damn it. कैसे मारू यार, तो बहुत डैमेज ले रहा है। मेरे को कुछ खरीदना पड़ेगा क्या? खरीदने के लिए कुछ बचा भी तो नहीं हुआ। Out here alone? You can... यूजेबल आइटम्स में डेढ़ सौ तो था, अभी जीरो है। काम करता हूँ मैं भी, मैं फिर से जाता हूँ पीछे, थोड़ा और फाइट करके आता हूँ, थोड़ा और ग्राइंड करके आता हूँ, ठीक है। जितने में ग्राइंड में नहीं हो रहा है, कोशिश कर लिया मैंने। साढ़े 300 रखा हुआ था, 350 लेके आना पड़ेगा। मारना पड़ेगा उसको, समझे ना? बच बच के थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे को समझ में आ गया। तो उतना जल्दी नहीं मारेगा। करना ही पड़ेगा भाई, ग्राइंड कर।
करूँगा नहीं तो चलेगा कहीं से। और वो पे वहाँ पे वो उसका में हम लोगों ने हेल्थ हाफ किया था ना। किया था कि नहीं? हेल्थ हाफ किया था। तो उसका जाएंगे फुल करेंगे फिर से। मैं जाऊंगा अभी यही जगह घूम फिर के करूंगा। ठीक है देखो 700 ऐसे ही मिल जा रहा है यही जगह पे, थोड़ा सा जगह पे तो 700 कलेक्ट करूंगा, बार बार करता रहूंगा। इससे हेल्थ डेक्सटरिटी फिजिकल एबिलिटी जी जो जो बढ़ाना होता है एटलीस्ट सब कुछ 5-5 लेवल बढ़ा के फिर मैं जाऊंगा फर्स्ट इसको मारने के लिए, क्योंकि माउस एंड कीबोर्ड में उतना आसान नहीं है। अरे साला बादल पूजा को चाहिए 902 मेरे पास है ही इतना। फिर से चलो 902 मतलब 1804 या फिर 2706 ऐसे मेरे को लाना पड़ेगा तभी मैं में बस एक ही लेवल बढ़ेगा। बूंदी हटाने के बाद ये ज्यादा पावरफुल लग रहा है। वही मैं भी देखता हूँ मतलब वो जो क्या बोलते हैं वो जो था जब उसका मुंडी हट गया वो बड़ा पपेट का पहला
सो ना सो सब वाइटलिटी नहीं टेक्निक के लिए साथ करता हूँ। मोटिविटी में फिजिकल डैमेज फिजिकल अटैक भी बढ़ता है तो इसको हटा देता हूँ। और तो नहीं बढ़ेगा को मेरे को बढ़ाना फिजिकल अटैक से फिजिकल अटैक बढ़ता है। ये एडवांस वाला बढ़ाऊंगा। आ जा किधर है सब कैटलिस्ट लेकर जाता है ना उतने में तो भाई ये तो ये गेम भाई बहुत बहुत ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ेगा। Thank you.
136 इसको मार ही देता हूँ। अरे भाई सात बार डॉच कर सकता हूँ कंटिन्यूअस, ठीक है ये याद रखना पड़ेगा। फिर से करता हूँ और दो एक साथ लेता हूँ, उसमें 200 जैसा मिल जाता है। तुम बैलेंस में खेलोगे तब शायद कुछ आसानी होगा तुमको खेलने में, मैं फिजिकल खेल रहा हूँ मेरे को टाइम लगेगा भाई हर एक जगह पे। ओ भाई 1000 चाहिए अभी,
सिर्फ मोटिविटी से ही फिजिकल अटैक और ये बढ़ता है ना। कब से मैं 128 121 ही देख रहा हूँ, इसका भी 1000, इसको सारे का 1000 हो गया अभी सारा। 1000 करके आता हूँ फिर देखता हूँ असली में बढ़ रहा है कि नहीं, तो ये सब करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये फास्ट अटैक है, मतलब पहले अटैक के तुरंत बाद अगर तुम दबाओगे तो रिएक्ट करने का टाइम मिल जाता है, और ऐसे अटैक करके भाग जाना है क्योंकि मेरे को जो लगता है कि लास्ट मोमेंट पे जब उसका सर अलग हो जाता है, मतलब वो सर विहीन फाइट करता है, यानी फाइट्स विदाउट द हेड, ही इज मोर पावरफुल एंड ही मूव्स मोर वायलेंटली, सो आई गॉटा बी केयरफुल अप ऑन दैट पार्ट। अच्छा ये बताओ इससे तो फिजिकल ये वाला बढ़ रहा है मेरे तो कैपेसिटी में बढ़ाओ तो, इधर टेक्निक में बढ़ाओ तो एक दो बढ़ रहा है ज़्यादा, और इधर एडवांस में बढ़ाऊँ डिस्ट्रक्शन शॉक इलीजन का बढ़ रहा है थोड़ा सा बस। इसका बढ़ाऊँगा तो क्या होगा, 379 होगा, हेल्थ थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन हेल्थ बढ़ा के क्या फ़ायदा भाई। अच्छा इससे स्टैमिना बढ़ता है, स्टैमिना बढ़ा लेता हूँ मैं, और एक बार ट्राई करता हूँ एक सेकेंड। इसको कैसे यूज करते हैं, क्या हुआ उससे मेरे को नहीं पता क्या हुआ, मेरे को तो कोई डिफरेंस ही नहीं समझाया। ये लाइट ऑफ ऑन का पहले वही करूँगा, छोटा छोटा अटैक करके भागूंगा, हेल्थ बचाऊंगा आखिरी के लिए, तो पहले ये ज़्यादा
अच्छा हो था भाई, हो जाएगा इस बार, हो जाएगा। मैं बहुत जल्दबाजी में मरा यहाँ पे, बहुत जल्दबाजी में मरा, इतना जल्दबाजी मेरे को करना ही नहीं था। हो जाएगा हो जाएगा, वो 100 वहाँ पे है, 100 लेके कोई चिंता नहीं। हाँ जो मेरी चिंता है वो है, इसको मैं बढ़ा लेता हूँ यहीं। समझ में आ गया क्या करना है, फर्स्ट उसका हेल्थ घटाना है जितना हो सके, उसके बाद धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे उसका हेल्थ घटाना है। पहले किया था लगभग, हो ही गया था। अच्छा कर बैठा, गलती गलती पहले मार खा गया ज्यादा। घर में इतना डिस्टरबेंस होगा तो कैसे करूंगा मैं भाई, बाप रे बाप। नहीं चाहिए मुझे गार्ड, you
कितना बार मरना पड़ेगा, बाप रे बाप। भाई मेरे को बंदूक बंदूक का गेम ही अच्छा है, जिसमें मतलब मरो तो मरो नहीं तो मार दो, ये सब ठीक नहीं है भाई। ओवर पावर्ड एनिमी, कभी कभी जेड कहां से दब जाता है रे लौड़े, दबाई नहीं मैंने जेड, चलने लगा था वहां पे, फिर मैं जेड ढूंढ लू वहां पे। छोटे वाला गेम बनाते हैं, देखता हूँ इसको यूज करके क्या होता है, इससे तो कुछ होने वाला है नहीं। उस कीबोर्ड में करके छोड़ेंगे साले, कंट्रोलर का मां चल गए टाइम पे बहुत करेगा ना, ऐसे ही मेरा चैनल कोई नहीं देखता था, अभी तो और नहीं देखेगा। याद रखना ग्राइंडिंग का वीडियो देखना है तो भाई भूल जाओ, सब्सक्राइब मत करो, मैं बहुत पार्ट काट दूंगा, बहुत ग्राइंडिंग करना पड़ता है, ये जो भी दिखाएगा होगा ना। दबाया था
था अभी। अरे यार दिमाग खराब हो रहा है यार, बहुत क्लोज जाके मैं वहाँ पे मार नहीं पाया उसको, बहुत क्लोज जाके मार नहीं पाया, कनेक्ट हो भी गया था। अच्छे तरह से कनेक्ट हो गया था। अच्छा ये वाला जब मारता हूँ मैं यहाँ पे जो नीचे राइट हैंड कॉर्नर में FFF शिफ्ट वाला है वो एक्टिवेट हो जाता है। टाइम पे मारने से ब्लॉक होता चीज है। बाप रे बाप, भाई साहब, ओ एक घंटा लगा, एकदम एक घंटा लगा पहले बॉस को मारने में। लेकिन माउस एंड कीबोर्ड, माउस एंड कीबोर्ड कंट्रोलर का माउस एंड कीबोर्ड कंट्रोलर खेलने वाले ना घर में घुस के छोड़ूंगा कंट्रोलर, मादर चोद के कंट्रोलर, कंट्रोलर खेलने वाले ना पुसीज, आई कॉल देम पुसीज। वो उधर से आए थे ना, हम लोग नीचे से तो बार-बार आ रहे थे। अभी मेरे को समझ में आया ये जो स्किल है राइट में वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके बिना पे तो मैं जीत ही नहीं पाता यहाँ पे, असंभव था। अरे ये बात करने वाला है सर, भाई साहब कहाँ एंटर करना है इसको, होटल क्रैट द ग्रेटेस्ट लग्जरी होटल पढ़ने ही नहीं दिया पूरा। Treat yourself to an unforgettable day. One more thing I should mention. The hotel security excludes puppets like you. So you'll have to lie to get inside. You're a special puppet after all.
तो यहाँ पे लाई का थोड़ा कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आ रहा है कि होटल में घुसने के लिए मेरे को झूठ बोलना पड़ेगा। आई हैव टू लाई। कभी कभी कोई कोई चीज़ टूट जाता है, मेरे को एक दोस्त ने बोला था कि भाई थर्ड बॉस बहुत हार्ड है, मतलब थर्ड बॉस मेरे को एटलीस्ट 2-3 घंटा लगाएगा मरने में, पर मेरी जान नहीं खाएगा। मेरे को समझ में आ गया। क्या होने वाला है मेरे को, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ेगा, मतलब इतना ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ेगा कि मेरे सामने ये फर्स्ट बॉस हो जाता है, एक हिट में मर जाए, ऐसे वाला ग्राइंड करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट इतना दूर से आया होटल क्राट में तो घुस जाता हूँ। ये वाला रखूँगा अपना वीडियो के लिए डीपी। फाइनली आई एम गोइंग टू क्राट होटल क्राट, द फर्स्ट पपेट इज डेड। अच्छा इधर उधर घूम के देख लेता हूँ थोड़ा सा, फ्री का तो मिलता रहता ना हर जगह पे कुछ ना कुछ। अब ये छोटे मोटे कभी मेरे को मार नहीं पाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस था अपने पे अभी, ये छोटे मोटे चिचुंदर मार नहीं पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, नीचे देख रहे हो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे इंजेक्शन जैसा कुछ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं अभी कैपेसिटी तो उतना नहीं है, शायद ये बहुत ज़्यादा कैरी करना पड़ेगा मेरे को बाद में। हिडन मूनस्टोन, एनहांसमेंट लगा दी कैसे है यार, बहुत कुछ है जो मैं लगा नहीं पा रहा या फिर यूज़ नहीं कर पा रहा, मेरे को सब सीखना पड़ेगा यार। पॉकेट तो नहीं है अभी। तो आप लोग वो भी चेक करके देखना, मेरे को जैसे मैंने पढ़ा था कि लाइक करना है तो मैंने लाइक किया, अगर मेरे को नहीं पता होता भाई मैं नहीं सुनता वो चीज़ सब चीज़ तो मैं डायरेक्ट घुस जाता कि मुझे पता था और ये दरवाज़ा नहीं खुलता। मैंने देखा है गेम पे कि आप ह्यूमन बताओगे तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा, या आपको झूठ बोल रहा है। ये होटल में एटलीस्ट चला, ये एपीलॉग में आते आते, सॉरी एपीलॉग बोल रहा हूँ, प्रोलॉग में आते आते 2 वीडियो ख़त्म, मतलब तो 2 घंटा लग गया प्रोलॉग में पहुँचते पहुँचते। दिस इज एक्सक्रूशिएटिंग। Yeah.
चोई जीवोन। सो गार्ड इज सक्सेसफुल योर कैरेक्टर विल टेक रिड्यूस डैमेज बट इट विल बिकम वीक। तो पहले पढ़ा था इनसे मिलना था, ये जो हम लोगों को मतलब इन ये सब दे रही थी, क्या बोलते हैं इसको, ये सब आइडियाज इंस्ट्रक्शंस। I am Sophia. I've been waiting for you. Searched all over the city of Croft to find you. You must have questions. Geppetto will have answers. But we have to find him first. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Croft is dangerous for humans. And that neighborhood is one of the scariest. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more once you find him. You can level up through Sophia using the Ergo in your position. You can increase your stats when you level up. अच्छा, एडवांस में क्या बढ़ता भाई? टेक्निक बढ़ाते हैं अपन। अभी 1128 हो गया ना, तब एक ही बार बढ़ेगा, सब 1128 हो गया। स्टोरेज में घुस गया। वेलकम टू होटल क्रॉप। माय नेम इज पोलंडीना, ब्रदर टू लेडी एंटोनिया। प्लीज लेट मी नो हाउ आई मे बी ऑफ सर्विस एट होटल क्रॉप। Comfort and calm walk hand in hand. Welcome to Hotel Croft. How may I be of service? इसको कैसे मैं
फेल नहीं करना भाई। स्पेस बार दबाना होता है, स्पेस बार दबाने से यूज का ऑप्शन आता है। अभी समझ में आया, अभी जाएगा इधर स्टार गेजर में। अरे I'll use my power to help you. ज़्यादा करता हूँ, कैपेसिटी को बढ़ाता हूँ और नहीं होगा क्या? ना ना होगा। मोटिविटी टेक्निक एडवांस बस हो गया। ये 1200 है लेकिन चाहिए 1400। So thank you guys for watching, stay tuned for more and don't forget to subscribe, we'll be back with more exciting videos. Until then, stay tuned and have a good day. Fighting modular. से बाहर निकल के हम लोग जाएंगे। ग्रेट फॉर्चून टू ऑल विजिटर्स, रेस्ट फॉर ऑल ट्रैवलर्स, ब्लेसिंग टू ऑल फ्रेंड्स। और बाहर जाके नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। चलो बाय भाई, टाइम लगेगा इसको ख़त्म करने में, 11-12 घंटे का गेम है लेकिन आसान नहीं है। I heard about you from Geppetto, but to see you in person, wow, you should take this. Geppetto left it with me. Holy shit, grappler mila hai bhai. Grappler ko use karna special equipment that is equipped with combat ability. Legion arm can be modified into also forms Venigni craft machine. ये
एक बार ट्राई करता हूँ। पपेट स्ट्रिंग भाई ये भी आसान है थोड़ा सा, मतलब दूर से मैं इसको हिट कर सकता हूँ अभी। अच्छा आइटम दिया है, ये क्या बिल्ली है क्या? हाँ बिल्ली है भाई। समझ में आ गया कि इंसान नहीं है क्या है ये। चलो इससे और बात करें। The sound of it alone, that craftsmanship comes only from the hands of Geppetto. You must be something else. A custom arm from Geppetto himself is quite an accessory. Oh, I forgot to introduce myself. I am Eugenie from the Workshop Union. I know my way around weapons of all kinds. I'm sure Master Geppetto would agree. If any of your weapons need work, bring them to me. I know my way around a weapon. You can set up power linkage when you upgrade the blades. Some blades can be upgraded with a special moonstone. रहेगा अपने पास तो इसको अपडेट कर लेता हूँ। अच्छा मटेरियल नहीं है। ईच हैंडल्स प्रॉपर्टी अपडेट्स बेस्ड ऑन योर कैरेक्टर डिफॉल्ट एबिलिटी। यू कैन चेंज द प्रॉपर्टी ग्रेड वन टाइम विद हैंडल ऑल्टरेशन रिसेट इट विद अ बैलेंस्ड क्रैंक। यू कैन ब्रिंग यूजिंग क्रैंक्स टू अदर वेपन्स। ये सब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बात बात करके फिर निकलेंगे यहाँ से। चलो और ऊपर भी चेक करेंगे ठीक है। अभी मैं निकलता हूँ। बाय गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर, सी यू सून।